कहानी। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक को। थैंक यू संतोष सर। दोस्तों नमस्कार। इतना बढ़िया माहौल दे दिया आप लोगों को। आज सुबह अमित सर का फोन आया हम लोग के पास 10:30 बजे कि सर आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। किसको किसको पता था ऐसा कुछ? था नहीं पता था, अमित बोर्ड को पता था। तो मैंने कहा सर मीटिंग कैंसिल कर देंगे तो ऐसी भीड़ कहाँ से आएगी? यस नो। तो हम लोगों ने उसी समय जहाँ पर लोग मीटिंग करते हैं वहाँ पे कुछ कारणवश मीटिंग नहीं ऑनलाइन मिल पाया, तो हम लोगों ने ये होटल किया। और मैं भीड़ देख रहा हूँ तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपने जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों नाम सर श्रीवास्तव है, और अगर AWPL की बात की जाए तो इस बिजनेस को करने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा बात बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं क्या करता था। दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आज नहीं आई है। लगभग 12 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग लाइफ मेरी लाइफ में आई थी, और 2010 से मैंने स्टार्टिंग किया था। एक इंटरनेशनल कंपनी हुआ करती थी, उसमें वर्क करता था। वहाँ पे बहुत सपने दिखाए गए थे कि आप भी वहाँ पे लाखों रुपये की इनकम लेंगे, विदेश यात्रा में जाएंगे। बस वहाँ पर वो लगे रहे, करते गए काम करते गए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिल पाई। और एक कसम खाई मैंने कि आज के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा। सच्चा है तो बता रहा हूँ दोस्तों। फिर मैं जॉब करने लगा। मैं 8 लाख की जॉब किया करता था एज ए एक यहीं पे, आप जानते होंगे तो बर्लिंगटन पे हाईवे रोड पड़ती है, वहाँ पे प्लाईवुड की फर्म में मैं एज ए क्वांटिटी जॉब करने लगा। और 8,000 की स्टार्टिंग से मैंने जॉब वहाँ पे करी, और जब मैंने वहाँ पे छोड़ा तो मेरी वहाँ पे जॉब 10,000 रुपये की मैंने अपनी जॉब को छोड़ा था। 2016 में जॉब को छोड़ा, और 2016 से लेके 2018 तक मैंने कुछ नहीं किया। मैं घर पे था, खाली ये सोचता था मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बिजनेस कर चुका था और जॉब भी कर चुका था, और वो एज नहीं थी कि कोई भी सरकारी तैयारी कर ली जाए कि अपनी नौकरी मुझे मिल जाए। यस या नो? तो दोस्तों फिर उसी समय मैं थैंक्स करना चाहूँगा ऊपर वाले का, अपने माता पिता का, कि दिमाग खुला था, दिल खुला था, सब कुछ दिमाग मेरा चल रहा था। फेसबुक के माध्यम से हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर अमित कुमार से मुलाकात होती है। मैं चाहूँगा एक बार गुरु जी के जोरदार ताली बजाइए। सर फेसबुक में चला रहा था, और सर के माध्यम से मैंने देखा सर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मुझे कंपनी के बारे में नहीं पता था क्या कंपनी क्या क्या सिस्टम है। तो मैंने कहा सर को हाय हेलो भेजो। सर ने मुझसे ये बात की सर सर आप मुलाकात करिए आके। उस समय मैं एक कंपनी को ज्वाइन करने वाला था, मैं नाम भूल लेना चाहूँगा, वो फॉरेन कंपनी PM इंटरनेशनल, क्योंकि हमारे जो एक अप्लाइंट थे जिस कंपनी में वो भी कर रहे हैं उस कंपनी को, मैं वो करने वाला था। और उसी समय हमारे संतोष सर, मैं चाहूँगा सर की जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने सर को फोन किया कि सर मैं वो कंपनी करने जा रहा हूँ, तो जिस कंपनी में करता था वो लोग कहते थे भैया मेरी जान है, मेरी माँ है, मेरी कथन क्या क्या बताते थे। तो इनके मुँह से भी निकला भैया यही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा भाई देखो अमित सर का फोन आया है, वो हम लोग को जानते हैं और ऐसा नहीं पहली बार उनसे मिल रहे हैं, एक बार चलिए देखते हैं प्लान अच्छी है क्या। तो यही विश्वास होटल था दोस्तों। मुझे आज भी समय याद है, हमको अमित सर और परमेश्वर सर जानते होंगे आप लोग, तालाब के अपलाइन है वो लोग, उसी ऑफिस के सामने खाली मिलने आए थे। और अमित सर उस समय गोल्ड लेवल पे थे, और आप सर ने दिखाया सकते तो मेरी ये 40-50 रुपये की टीम है, मैंने 1 रुपया कमाया। हमने ठीक है सर अच्छी बात है, कहीं मेरा कल प्रोग्राम है आप आइए। तो हमने कहा देखते चलते चाय पी के चले आएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे आज बैठे हुए दोस्तों, मैं विश्वनाथ होटल में सबसे आगे बैठा हुआ था और प्लान दिखाया जा रहा था, और हम दोनों आपस में हंस रहे थे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैं हम लोग हंस रहे थे क्योंकि हम लोग जिस कंपनी से आए थे ना, वो पता नहीं कितने देशों में काम करते मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या दिखा रहे हैं यार, ये 1 जोड़ो 2 जोड़ो 1,000 मिलेगा 500 मिलेगा कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट अपने जयदेव सर की जोरदार ताली चाहिए कि उस समय हमारे जयदेव सर आए थे, और जयदेव सर गाजीपुर के रहने वाले हैं, और सर उसमें सफायर लेवल के थे। सर ने हमको इनकम दिखाई है बनी, तो थोड़ा सा विश्वास बढ़ा। और सर ने खाली कहा आप ज्वाइन ना करो, छोड़ दो, अपना आईडी दे देना। हमने संतोष सर ने अपना आधार कार्ड दिया, और उस समय मैंने कंपनी से डेंटल डॉग और पंच तुलसी लिया। उसको मैं घर पे ले गया, घर पे मैंने यूज कराया। जैसे मैं पंच तुलसी ले गया, इतने नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन पुराने लोग जरूर बताना चाहूंगा कि पंच तुलसी जो आज पहली बार पीता है उसको समझ में नहीं आती है। तो मेरी मम्मी ने कहा ये क्या लेके चले आए, कड़वा रहा। हमने कड़वा ही ना, बहुत अच्छा है टेस्ट, भी कड़वा रहा था हल्का फुल्का। फिर हफ्ते भर बाद सब सही हो गया, नॉर्मल हो गया, रिजल्ट उसके अच्छे आने लगे। फिर अमित सर मेरे पास फिर आए, कहले सर से भैया क्या सोचा आपने? मैंने कहा था कुछ नहीं सोचा। फिर अमित सर मेरे घर पे आए, बकायदा मेरे कमरे में बैठ कर प्लान फिर शेयर किया। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी नहीं करूंगा।
मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सर का पेशेंस, धैर्य। मैंने अमित सर से सीखा धैर्य क्या होता है। अमित सर मेरे साथ लखनऊ में कह रहे हैं ठीक है चलिए कोई बात नहीं एक बार आप फिर मिलते हैं, तो मैंने कहा सर मिलेंगे जरूर। संतोष सर बुला रहे हैं सहारागंज में, याद सर आपको सहारागंज की फर्स्ट फ्लोर लास्ट फ्लोर ऊपर वाली जहाँ रॉयल कैफे है वहां पे उन्होंने बैठ के प्लान देखे, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया सर अपने घर चले गए, अपने घर चले गए। फिर एक बार कंपनी का फंक्शन हुआ वाराणसी में और वहां पे हम लोग गए, सर ने कहा वहां चलो सर कुछ ना करो वहीं चलो। आप सब विश्वास ही मानोगे 31 दिसंबर की बात है 2019 के आसपास की बात है, हम लोग फंक्शन देखने गए थे वहां पे हम लोग की मुलाकात हुई हमारे महागुरु मिस्टर अमित दुबे सर के लिए, मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए अमित दुबे सर मुलाकात फंक्शन में हुई थी। सर ने जब अपने अचीवमेंट बताया कि मात्र 26 साल का लड़का जो उस समय कम से कम 2.5 से 3 करोड़ कमाया हुआ था, तो थोड़ा बिलीव हम लोग का बढ़ा। फिर हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर भी जोरदार ताली का चाहूंगा आप लोग बताइए। सर से मुलाकात हम लोग की हुई, हम लोग रमादा होटल वाराणसी में हम लोग स्पेशली सर से मिलने गए थे और सर ने अपनी इनकम जो दिखाई तो सर की उस समय की जो इनकम थी प्रेजेंट टाइम में 10 से 12 लाख रुपए की थी, थोड़ा विश्वास और बढ़ा। फिर एक विश्वास बढ़ा हमारे सबसे फेवरेट सर, मेरे दोस्तों फेवरेट है मिस्टर अवधेश राज से जोरदार ताली चाहिए क्योंकि सर से हम लोग मिलने आए थे, सर लोग स्पेशल मीटिंग करी थी तब जाके बिलीव हुआ है सिविल सर्विस करना चाहिए। दोस्तों आप विश्वास ही मानोगे लोग ज्वाइनिंग अपने घर पे करते हैं, यहाँ फॉर्म भरते हैं पैसा देते हैं, बात की बात है हम दोनों ने ज्वाइनिंग जो करी थी, आप लोग लखनऊ में रहते पता होगा बेगम हजरत महल पार्क में बैठ के मूंगफली खाते हुए ज्वाइनिंग करी थी हम लोगों ने, और मैं चाहूंगा हमारे सर के लिए जोरदार ताली चाहिए क्योंकि उनके पेशेंस की वजह से आज यहाँ पे हम आज इस कंपनी की बात की जाए। दोस्तों जब पहले लेवल मैंने यहाँ ब्रॉन्ज लिया था बहुत खुशी हुई थी क्योंकि ऐसा मान सम्मान जो आज मुझे यहाँ मिला है, इतना मान सम्मान यहाँ ब्रॉन्ज को मिलता है जो बंदा 2500 रुपए कमाया होता है, ये से अनो तो दोस्तों वो सम्मान देखने के बाद होता नहीं, सर की गाइडलाइन से जो कहते गए वो करता रहा। सर ने जो कहा मीटिंग इसका आज सर यहाँ चलना है, मैंने ठीक वहाँ चलना है, सर उन्होंने कहा ये आज सेमिनार है आज ये फंक्शन है आज ये ट्रेनिंग है, हमने ठीक है आप जो कहो सर वो करेंगे। लगातार सर की गाइडलाइन से हमारे सभी अप्लाई की वजह से आज दुकान पे हूँ। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी अप्लाई खड़े चाहे वार्डी सर हो चाहे राजमनी सर हो रजनीकांत सर संतोष सर पंजली मैडम बीपी शर्मा सर, मैं चाहूंगा बीपी सर जोरदार तालियां चाहिए जो आज उन्होंने यहाँ बोल पा रहा हूँ की वजह से। सच्चाई बताऊं दोस्तों मैं नहीं बोल पाता था, सिर्फ जिस कंपनी में काम करता था वहां पे बस जाते थे सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी प्यारी सी टीम का कि उसने मेरा सपोर्ट किया। आज मैं सुकाम पे हूँ, मैं आपको दोस्तों लिख के दे सकता हूँ आने वाले एक साल के अंदर आप हर एक व्यक्ति सेवा को ले सकते हैं, जैसा कंपनी कह रही है जैसा प्लान कह रहा है उसका विश्वास करके दोस्तों आपको 100% मिलेगी। अगर इनकम की दोस्तों बात की जाए तो आज इस कंपनी से दोस्तों इसी वीक की जो मेरी इनकम आई है वो मेरे अकाउंट में, कोई व्यक्ति चाहता मेरा अकाउंट चेक कर सकता है, मैं आपको पूरा दिखा सकता हूँ अपने पास को 2,37,000 रुपए दोस्तों मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है टीडीएस काटने के बाद 2,24,500 रुपए ट्रांसफर हुआ है। दोस्तों टोटल इनकम की बात की जाए तो 8 लाख से ज्यादा की दोस्तों अचीवमेंट मैंने यहाँ से करी है और मुझे पता है कि यहाँ पे सीपीएस वेलनेस में जो व्यक्ति टिक जाता है दोस्तों ज्यादा नहीं 3 साल टिकना बस 3 साल। अमित सर ने मुझसे कहा था बेटा सरस सर आप एक चीज करिएगा, पहला साल होता है सीखने का, दूसरा साल होता है टीम को सिखाने का और तीसरा साल होता है पैसे कमाने का। तो दोस्तों ये तीसरा साल मेरा चल रहा है और ये कंप्लीट भी होने वाला तो पैसा जब आने लगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आप खाली कहना माना दोस्तों मेरा ये अचीवमेंट आप सबके पास आएंगे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। और लास्ट में बड़ी चीज मैं चाहूंगा हमारे कंपनी के एमडी सर की जोरदार ताली भी चाहिए क्योंकि संजीव सर के बारे में मैं मैंने देखी है संजीव सर ऐसा एमडी पूरे भारत वर्ष के पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता दोस्तों, वो एमडी जो आपके साथ ग्राउंड पे काम करता है, ग्राउंड पे बताओ दोस्तों जिसके पास 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उनकी आज देखा जाए सर की अचीवमेंट बहुत बड़ी है लेकिन वो ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग को आते हैं, हमको सबसे खास बात उनकी मुझे लगती है तो जब वो एमडी साहब कर सकते हैं तो हम लोग तो बिल्कुल सकते हैं ना। तो दोस्तों विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। Thank you.